और गुस्से हैं वो आपको मैं दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। और आज मौसम ठंड है, बारिश भी हो सकता है और बर्फ भी गिर सकता है। आज ऐसे मौसम हुआ है, कल भी थोड़ा छींटे तो आए थे बर्फ के, लेकिन वो थम गया, लेकिन आज आ सकता है बर्फ। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पूरा रोड भीगा हुआ है, ये रोड भीगा हुआ है क्योंकि रात में जब फ्रॉस्ट ये जमकर ये सब और पानी, जैसे गाड़ियाँ पानी गिराता है, इसलिए यहाँ का रोड ऐसा हालत होता है। ऐसी ठंड के मौसम में मैं बाइक चला रहा हूँ। यहाँ पर है फॉरेस्ट रेंज ऑफिस, फॉरेस्ट का है ये सिंगचल ईस्ट रेंज, तो यहाँ ये सब फॉरेस्ट सिंगचल रेंज में पड़ता है, तो इसका ऑफिस यहाँ पर है, फॉरेस्ट रेंजर का ऑफिसर ऑफिस। जब भी होता मिलता था मौका। अब मैं आ गया 6 माइल 6 माइल बाजार बोलते इस जगह को, और मेरे दाएं ओर से जाता है ये कैंटोनमेंट, वहाँ से भी पहुँचता है, लेकिन मैं अभी इसी तरफ से जा रहा हूँ क्योंकि इस तरफ से रोड बहुत अच्छा है। हालांकि उधर से भी अच्छा ही है रोड, यहाँ से जो व्यू मिलेगा। अब मैं 6 माइल बाजार क्रॉस कर चुका हूँ, इसको भी ओवरटेक कर लेते हैं। यहाँ से शुरू होता है जंगल का रास्ता, यहाँ पर है मंदिर, ऊपर गेट मंदिर। ये रास्ता जाता है कगदा टी गार्डन, और ये मैं आ गया लामाहट्टा, वहाँ पर इको पार्क है, लामाहट्टा इको पार्क। ये है लामाहट्टा इको पार्क। यहाँ से चलो एक खूबसूरत सा टी गार्डन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। अब मैं आपको व्यू दिखाते जाऊँगा यहाँ टी गार्डन का, बेहतरीन टी गार्डन है ये। ये देखिए व्यू टी गार्डन का, सब जमीन पे बैठा हुआ है टूरिस्ट। ये पर देखिए टी गार्डन ऊपर व्यू, यहाँ का बहुत खूबसूरत सा नज़ारा टी गार्डन का, दार्जिलिंग फेस ऑफ टी गार्डन का है ये नज़ारा, आपको मैं दिखाते जाऊँ। ये देखिए बहुत खूबसूरत सा है, मनमोहने वाला दृश्य है ये। नमस्ते व्यूअर्स फ्रेंड्स, तो अभी मैं आ गया मंगमा राय रिसोर्ट में, और मेरे पीछे देखिए ये होम स्टे, खूबसूरत सा होम स्टे।
मैं आपको ये होम स्टे का रूम दिखाने जा रहा हूँ। तो ये है रिसेप्शन, तो व्यूअर्स तो ये है 4 बेडेड रूम। यहाँ बिल्कुल सामने खिड़की है गेट के सामने, तो यहाँ से आपको नजारा बहुत खूबसूरत सा नजारा दिखेगा, बाहर का नजारा ऐसा दिखेगा। तो व्यूअर्स ये है VIP डबल बेडरूम, देखिए रूम का सजावट कितना अच्छी तरीके से किया है, सब मैनेज्ड है, वेलली मैनेज्ड है। सीलिंग पर देखिए वुड का बनाया हुआ सीलिंग पर, यहाँ पर बोर्ड का फ्रेम है। नमस्ते सर, वेलकम टू माय चैनल सामनी मोटर टूर ब्लॉग में। और इस होमस्टे के बारे में आप कुछ बताएंगे, ये होमस्टे कब से शुरू किया था और इसका रूम का टैरिफ कैसा है? जी ये हमारा, मैं नमस्कार सभी को, मैं यहाँ राय विश्वास का ओनर हूँ और हमारे विद्यालय से हम सभी परिवार हिस्सा लाते हैं। और हमारा अभी 9 रूम्स है, उसमें 5 डबल बेड है, 3 VIP कैटेगरीज का और 2 डिलक्स कैटेगरी का। उसका रेट है डिलक्स का 1900 और VIP का आपको 2300। और आपको वहीं पर 3 जोन के लिए 3 जोन बैठना चाहेंगे तो आपको वहां पर 3000 में 3 जोन के लिए भी हो जाएगा, बेड बड़ा बड़ा है आपने देख चुका है। और 4 बेड का रेट भी 3000 ही है। और उसके अलावा 1 5 बेड और 1 4 बेड सुपर डिलक्स जो ऊपर में आई जानसी जो ऊपर में है उसका रेट भी 3000 ही है। और ये हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ लगभग 8-10 साल हो गया। और यहाँ का आपका रूम टैरिफ वो है और खाने के लिए 650 पर डे पर हेड आपको 4 टाइम का खाना है। और गाड़ी वाड़ी हम लोग प्रोवाइड करता है, होटल का गाड़ी वाड़ी भी है। और अगर आप लोग आना चाहें तो निश्चित ऑनलाइन बुकिंग भी होता है हमारा, वो लिंक है हमारा www.3julirairesort.com करके, वहाँ से आप बुकिंग करके और गाड़ी के लिए हमको बता देने से हम लोग आप पिकअप ड्रॉप साइड सीन के लिए भी गाड़ी दे देते हैं। और ये रूम खाना सब इंक्लूड रहेगा रूम में? नहीं नहीं, अलग खाने के लिए अलग सा पड़ेगा आपको। 650 में आपको 4 टाइम का खाना मिलेगा, 4 टाइम जो रेट बताया मैंने वो सभी आपका ये रूम रेट ही है, अलावा खाने का अलग सा कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बारबेक्यू सब वगैरह नहीं। और अगर आप लोग को पैकेज में भी खा सकते हैं और एक्स्ट्रा आप जो बोलेंगे और होटल का माफिक आप डिमांड करके भी खा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। तो यही तक था मेरा आज का होम स्टे का विजिट का वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग विजिट कीजिए राय होम स्टे जो स्थित है। और आपको मैं फ़ोन नंबर दूंगा, वहाँ से आप कांटेक्ट करके आप बुकिंग भी कर सकते हैं। राय कॉटेज आने के लिए आपको आना होगा दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से 27 किलोमीटर की दूरी पर है 3 चुलिया। दार्जिलिंग का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है NGP, और अगर फ्लाइट में आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा।